হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ ইকরাম হোসেন ভুঁইয়া। ওয়েলকাম টু মাই অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল মোহাম্মদ ইকরাম ব্লগস। আর আজকে আমার সাথে আছে আমার বড় ভাই হুসেন। হুসেন ভাই হ্যাঁ মেরে সাথ। হুসেন ভাই ইন্ডিয়া সে হ্যাঁ। তো হুসেন ভাই আজকে আমাকে কিছু ইনফরমেশন দিবে অ্যাবাউট পোল্যান্ড এবং আদার্স যে ট্যুরিস্ট ভিসা এবং ট্যুরিস্ট বিষয়ে কুয়েত থেকে কিভাবে আপনারা মাইগ্রেশন করতে পারবেন, কিভাবে কুয়েত থেকে আপনারা ট্যুরিস্টের বিষয়ে প্রসেস করতে পারবেন এবং কিভাবে কুয়েত থেকে সকল ধরনের কাগজপত্র যেগুলো আছে সেগুলো হোসেন ভাইয়ের মাধ্যমে আপনারা প্রসেস করতে পারবেন। সো এই বিষয়ে আজকে আমাদেরকে হোসেন ভাই সম্পূর্ণ ডিটেলস বলবে ইনশাল্লাহ। তো ভিডিওটা আপনারা না টেনে দেখবেন আশা করছি এবং ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। আসসালামু আলাইকুম হোসেন ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ हमारे बंगाली भाई के लिए और मेरा जो यूट्यूब चैनल है आप जानते हैं, तो उसमें ज़्यादातर बांग्लादेश, इंडिया, नेपाली और पाकिस्तानी जो भाई लोग हैं उनके लिए आज मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चन लाया जी। तो आप ट्रेवल रिलेटेड मतलब काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपका अच्छा बिजनेस भी है, तो इसके लिए मैं थोड़ा आज कुछ क्वेश्चन क्लियर करना चाहता हूँ। मतलब जो लोग ट्रैवल के लिए दूसरा कंट्री जाना चाहता है और जो लोग आपके इधर से ट्रैवल के लिए वीज़ा लगाना चाहते और आपके इधर से टिकट भी मिलता है दूसरी कंट्री का, तो कुल मिला के कुछ क्वेश्चन करता हूँ जो आप थोड़ा क्लियर कर देना और हो सके तो हमारी बांग्लादेश के भाई लोग जो है फिर इंडिया के, पाकिस्तान के और नेपाल के भाई लोगों के लिए थोड़ा मेरे थ्रू थोड़ा कम पैसा रखना इंशाल्लाह। तो हम लोग अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है, आपके ये जो बिज़नेस है ये कौन सा, मतलब कौन सा कैटेगरी का बिज़नेस है और कौन सा, मतलब क्या क्या करते हैं आप इस बिज़नेस? एक्चुअली हमारा है बिज़नेस 19 ईयर्स से है, मेरा 19 ईयर्स से है, तो इसके लिए मेरे को 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ट्रैवल एजेंसी का भी। तो अगर आपको कहीं पे भी जैसे टिकट्स करना है या कोई ट्रैवल करना है कोई दूसरी कंट्री के अंदर या कोई अब्रॉड के अंदर किसी और जगह पे आपको सेटल होना है या अच्छा। तो कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वी कैन गाइड यू, हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। हम लोग इतना कोशिश करेंगे कि सामने वाले को समझ में आ जाए। बाकी हमारे पास स्पेशल फेयर भी होते हैं, टिकट्सों के भी होते हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, फिलीपींस है, वो दूसरी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ के लिए हमारे को यानी स्पेशल फेयर होते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जब होते हैं तो देते हैं हम लोग। मतलब डिपेंड्स ऑन कस्टमर। डिपेंड ऑन कस्टमर। तो और डिपेंड करता है कि आप कौन से यानी सीजन में आते हो, यानी सीजन का टाइम है या ऑफ सीजन है, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। अच्छा। तो हम लोग स्पेशल प्राइस देने की पूरा ट्राई करते हैं, बाकी अच्छा, वो नहीं है मसला। अच्छा अच्छा। अभी रिसेंटली मेरे को बहुत बांग्लादेश के भाई लोग और इंडिया के भाई लोग क्वेश्चन किया था कि कुवैत से वो लोग ट्रैवल के लिए जी। मतलब यूरोप के लिए ट्राई करना चाहते हैं लेकिन पहले कुछ देश में विजिट करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह अगर उनको यूरोप के लिए वीज़ा लगाने हो पासपोर्ट में परमानेंटली, तो कौन सा कंट्री में अगर वीज़ा मतलब विजिट करके वीज़ा मतलब ट्राई करे तो अच्छा होगा? जी ये सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा कि ये जो है आप जैसे यूरोप के लिए जाना है तो आपको यूरोप के लिए टूरिस्ट वीज़ा अवेलेबल मिलती है। अच्छा जी। परमानेंट वीज़ा तो यहाँ से वो वहाँ से इनविटेशन मंगवाना पड़ता है तो वो परमानेंट होता है यानी वर्क वीज़ा। बाकी उसके अलावा यहाँ से कुवैत से जो होता है वो 90% से तो ट्रैवल वो ही होता है, टूरिस्ट वीज़ा ही होता है। टूरिस्ट वीज़ा में क्या होता है कि जैसे आपका पासपोर्ट जैसे ब्लैंक है, ब्लैंक पासपोर्ट का इतना वो नहीं होता, तो वैल्यू नहीं होता। वैल्यू नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, जैसे
लोग बोलते हैं कि हम लोग कहीं पे जाते हैं, दुबई जाते हैं, या ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि दुबई इट्स अ नॉर्मल है, वो तो कोई इतना वो नहीं है, वैल्यू नहीं देता, वैल्यू नहीं देता है। अच्छा, अच्छा। दुबई वैल्यू नहीं देता है, तुर्की इतना वो नहीं होता है उसमें। यूरोप वाले को चाहिए कि आप कुछ ऐसी कंट्री में जाइए जहाँ पे उनको लगे कि हाँ ये आप गए और वापस आए, उनको भी तो वो होना चाहिए ना कि वो अपनी तरफ से सेफ साइड है, तो उनको सेफ साइड की तरफ से उनको अपनी तरफ से बराबर होना चाहिए। एनीवेज तो मैं आपको बता सकता हूँ, जब आप आएंगे मेरे पास तो मैं आपको पूरा चीज़ उस टाइम पे मैं बताऊँगा जो भी आएंगे कि भाई क्या चीज़ आपको करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। तो हम लोग आपको गाइड्स करेंगे अपनी तरफ से, पूरा कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी कंट्री में आप ट्रैवल करो, उसके बाद आप ट्राई करो, और जो वीज़ा मिलेगा वो भी टूरिस्ट वीज़ा ही मिलेगा यूरोप के लिए, इंशाल्लाह। यूरोप है, अमेरिका है, या कोई भी दूसरी कंट्री है उसके लिए आप ट्राई करोगे तो वो आपको टूरिस्ट वीज़ा देंगे, वो परमानेंट वीज़ा नहीं होता, वो वर्क वीज़ा तो वहाँ से ही आता है। तो टूरिस्ट वीज़ा का जो प्रोसेस है वो लोग आप लोगों से करा सकते हो? जी हाँ, हम लोग अपनी आपको गाइड्स करेंगे क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए, वो हम लोग आपको बताएंगे। अच्छा अच्छा, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स की वो इसमें वो यानी जरूरत है जो वीजे के लिए, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है भाई, आप... बाकी का जो होंगे वो हम लोग अपनी तरफ से वो बनाएंगे, यानी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है और वो हम लोग सबमिट करेंगे, तो इंशाल्लाह मिलेगा वीजा इसका, इंशाल्लाह। तो भाई आपने डॉक्यूमेंट के बात बोल ही दिए, तो थोड़ा काइंडली अगर बांग्लादेश के और दूसरे कंट्री के भाई लोग को बोल दीजिए कि इसके लिए एक्चुअली कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए जेन्युइनली, मतलब जो चाहिए ही, मतलब मैंडेटरी चाहिए, ऐसा कौन सा पेपर? पासपोर्ट वो मस्ट भी एक साल तो वैलिड होना चाहिए। अच्छा, और इकामा जितना हो सके 6 मंथ से ऊपर होना चाहिए। अच्छा अच्छा, 6 मंथ से ऊपर होगा तो बेटर है, क्योंकि उससे कम होगा तो फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई भी कंट्री आपको वीजा देने से पहले वो देखेगी ना कि आपके पास कितना वैलिड है रेसिडेंस दूसरी कंट्री के लिए, टूरिस्ट वीज़ा देने से पहले, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। बाकी सैलरी सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ेगा, ये सब आपको कंपनी से वो सब अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम आप जब इधर पे विजिट करोगे हमारे ऑफिस में तो इंशाल्लाह हम लोग बताएंगे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, वो तो हम लोग अपनी तरफ से पूरा गाइड करेंगे सामने वाले को कि वो एकदम समझ जाएगा वो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से नहीं चाहिए। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीज़ा तो इंशाल्लाह अगर सही होंगे जेन्युइन डॉक्यूमेंट तो अपनी तरफ से वीज़ा, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग भी ट्रैवल कर चुके हैं तो हमें पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, हम लोग गाइड करेंगे सामने वाले को, एक दूसरा गाइड करेंगे कि भाई वहाँ पे जाने के बाद, उस कंट्री में जाने के बाद उसको क्या क्या करना है, वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे हम लोग अपनी कंट्री में जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, वो दूसरी कंट्री में एक अपना एक रूल्स होता है, एक तरीका होता है, रूल्स होता है, रेगुलेशंस होते हैं, सही बात है, उसके हिसाब से अपने को चलना पड़ता है। तो ये हम लोग आपको यहाँ पे गाइड करेंगे, बाकी आप हमारे वहाँ पे विजिट करिए तो हम लोग आपको बताएंगे, टिकट्स है, होटल्स है, ये सब कुछ हम लोग अरेंज करके यहाँ पे आपको देंगे, क्योंकि हमारे पास टिकट्स भी है स्पेशल फेयर्स के अंदर, और होटल्स भी है, होटल बुकिंग भी हमारे पास है स्पेशल फेयर्स के अंदर, फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको कोई भी कंट्री में चाहिए तो हम लोग अरेंज कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास से ही कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। और वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या चीज़ को बुक करना है, जैसे टैक्सी है या कुछ भी है, तो वो भी हम लोग यहाँ से आपको गाइड करके दे सकते हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे नहीं है, आपसे नहीं होता, तो हम लोग यहाँ वो भी हम लोग आपको यहाँ से अरेंज करके दे सकते हैं, पूरा मतलब इसको बोलते हैं पूरा पैकेज, दैट्स काइंड ऑफ यानी एक पैकेज होता है, जो पैकेज हम लोग आपको पूरा बना के दे सकते हैं। तो बांग्लादेशी भाई लोग तो फिर अगर टूरिस्ट पे जाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर बांग्लादेशी कोई भाई छुट्टी पे बांग्लादेश या इंडिया या पाकिस्तान या दूसरे कंट्री के भाई लोग अगर छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, वेकेशन पे बांग्लादेश या दूसरा कंट्री में वेकेशन के लिए जाते हैं, तो आपसे इधर टिकट खरीद सकते हैं? जी हाँ, वो आप यहाँ से ले सकते हैं, और हम अपनी तरफ से कुछ कोशिश करेंगे कि कोई स्पेशल फेयर होंगे। अच्छा अच्छा, हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अच्छा अच्छा, कोई अगर आके बोले कि मैं इकराम ब्लॉग्स का जो चैनल है यूट्यूब चैनल उधर से आया हूँ, तो आप थोड़ा लेस करेंगे उनके लिए? थोड़ा कोई बात नहीं, हम लोग कोई बात नहीं, हम लोग जो आएंगे जो वहाँ से, तो वो जब नाम लेंगे तो वहाँ से हम आपको डिस्काउंट करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकेगा हम लोग अपनी तरफ से ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। हुसैन भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरा व्यूअर्स के लिए थोड़ा बोल देना सब्सक्राइब करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल।
ये भाई बहुत ही अच्छे हैं और ये हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, तो इनको आप थोड़ा सपोर्ट करिए, इनका जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए और इनको सपोर्ट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बाकी आप यहाँ पे हमारे वहाँ पे भी विजिट करिए और हम लोग अपनी तरफ से पूरा आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। बाकी अल्लाह हाफिज़। नो प्रॉब्लम। हुसैन भाई, आपका काइंडली एड्रेस और नंबर थोड़ा बोल देना जी। तो मेरा एड्रेस है फरमानिया सेफ मार्ट बिल्डिंग मिजन एंड फ्लोर और ऑफिस नंबर 6 और मेरा फ़ोन नंबर है 5129-2922। ये okay. मेरा नंबर है, आप कभी भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं और मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके सर। ओके हुसैन भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया भाई। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके।